नमस्कार, शिवा जॉन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सागर विकास। आज कुछ विशेष होने वाला है। आज हम लोग देहरादून के एफआरआई घूमने जाने वाले हैं, तो मैं हो चुका हूँ नहा धो के फ्रेश और बालों में तेल करके रेडी, और हम लोग रुके हुए हैं जैन धर्मशाला में। और हमारे साथ एक हमारे प्यारे प्यारे मित्र धीरेन्द्र साई भी है। इनका नाम है धीरेन्द्र साई। तो ये है हमारा रूम, देखो कुछ सामान बिखरा पड़ा है, अब चलते हैं निकलते हैं। अब ये मैं आ गया रूम से बाहर, डायरी अप और चलते हैं आगे। ये राजन भवन और हम लोग रुके हैं इस साइड में, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलते हैं बाहर को, ऐसे हम लोग बाहर को जाएंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद में आगे तो चलेंगे। लेट हो गया, सोचा तब तक रेलवे स्टेशन घूम लेते हैं। और अभी हम रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं, देहरादून का रेलवे स्टेशन। वहाँ पर आजकल गूगल के टेक्नोलॉजी से वाईफाई भी फ्री कर दिया है, तेज स्पीड से वाईफाई काम करती है, काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही होगा इंडिया का, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, हो गया होगा। तो चल ही रहे हम लोग, अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा है। शौचालय सीढ़ी से ऊपर को चढ़ेंगे। सॉरी, ये तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर से उतरेंगे नीचे। ये देखो, और ये खुश लग रहे हैं शौचालय सीढ़ी से चढ़ने के लिए, पर चल नहीं रहा ना, केवल उतर ही उतर। ये ट्रेनें खड़ी है, देहरादून का ट्रेन रेलवे स्टेशन है ये। तो ये जिस पुल के ऊपर हम बैठे हैं, ये है यात्रियों को पार पार कराने का पुल, जो रेलवे सिटी के ऊपर होती है। तो देखो रेलवे स्टेशन, ट्रेनें हैं अपने गंतव्य पर, ट्रेनें यहाँ से होके जाती है। देखो काफ़ी ट्रेनें खड़ी हैं। शौचालय सीढ़ी से नीचे को जाएंगे। ये रही शौचालय सीढ़ी, तो नीचे को जा रही है। और ये रही शौचालय सीढ़ी जो ऊपर को आ रही है, तो हम पहले नीचे जाएंगे। दुकान पे पहुँच गए। अब देखो ये पराठा छोला, ये दुकान। अब नाश्ता कर लेते हैं, तब तक कैमरा ऑफ, उसके बाद में फिर आगे की रिकॉर्डिंग। पानी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं पढ़ाई की। चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं एफआरआई के गेट पर, कौलागढ़ के पास से हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। वहाँ पर हम टिकट लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लोगों ने वहाँ से टिकट ले के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सामने गेट से। तो अब हम आगे जाएंगे करके, पर नहर भी बह रही है और इधर से दोनों जगह अलग अलग जगह जाने के लिए रोड है। ये रोड कहाँ को जाती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम इस रोड में जाएंगे। इधर भी ये रोड भी कहाँ को जाती है मुझे मालूम नहीं है। जी भर के घूमेंगे एफआरआई के अंदर। काफ़ी अच्छा खूबसूरत जगह लग रहा है, और देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस जंगल के बीच में रोड है और उसी रोड में हम चल रहे हैं। बिल्डिंग्स भी है अंदर काफ़ी, ये देखो दिख रहे हैं। और आगे चलते हैं, काफ़ी दूर तक चलना है हमको अभी। तो आपको मैं फ्रंट कैमरे से दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है यहाँ अंदर। काफ़ी घनघोर जंगल भी लग रहे हैं इसके अंदर। जो शुरुआती नज़ारा है अंदर प्रवेश करते समय एफआरआई के अंदर का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अंदर को छाँव में काफ़ी ठंडी भी लग रही है और सुकून मिल रहा है यहाँ पे, हालांकि गर्मी है। और पीछे से जहाँ से हम आए देखो गाइस, और आगे चल के आपको दिखा देते हैं कैसा दिख रहा है इनका नज़ारा। पेपर प्लांट है इस साइड में, देखो ये बिल्डिंग्स है। और ये जो रोड जाती है पेपर प्लांट को जाती है,
और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। और देखो इधर काफ़ी अच्छा जंगल का नज़ारा, और जंगल से के बीच से धूप की किरणें आ रही है, और क्या खूबसूरत नज़ारा है इसके अंदर। सूरत भवन है और यहाँ पे लिखा है पेड़ लगाइए गरीब दिखाइए, बात भी सही है। और इस साइड में भी देखो काफ़ी अच्छे भवन हैं। और हम चल रहे हैं आगे को जाएंगे अभी, यहाँ पर ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से होती है। और आगे देखते हैं लोग आगे को घूमने जा रहे हैं, वहाँ आगे भी जाना है अभी, वहाँ एफ आर आई के बिल्डिंग आया भी नहीं, काफ़ी दूर तक चलना है। और यहाँ पे देखो क्या खूबसूरत नज़ारा, देखो दोस्तों, और ये जो गली किधर को जाती है मुझे मालूम नहीं, साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए वीवो Y53 मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला व्लॉग है, जैसा भी बना होगा मुझे मालूम नहीं कैसा बन रहा है, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और कैसे सुधार कर सकता हूँ इस विषय में भी मुझे सजेशन दीजिएगा। तो इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, देखो जंगल, गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं देखो, और कुछ लोग इधर को हैं, आम के पेड़ हैं, दिन का समय है, खूबसूरत लग रहा है। पहुँच गए एफ आर आई में और आपको दिखाता हूँ एफ आर आई की बिल्डिंग, आप देख सकते हैं लोग इधर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, आराम से धूप सेक रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये एफ आर आई की बिल्डिंग से ये काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। और यहाँ पर मैं जब घूमने जाता हूँ तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं कहाँ से कहाँ को आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर लोग दूर दराज से घूमने आते हैं, जैसे देश विदेशों से। और जब हम लोग यहाँ अंदर टिकट करके आए थे तो उस समय 14 रुपये का टिकट लगा था, हम लोग पैदल यात्री थे इसीलिए, और वाहनों का थोड़ा सा महंगा है, 20 रुपये है करीबन मोटरसाइकिल का, और कार का कुछ इससे ज़्यादा होगा। और जो जब आप कैमरा लाते हैं तो कैमरे का शुल्क अलग लगता है। तो देखो काफ़ी लोग बैठे हुए यहाँ पर मैदान में धूप सेक रहे हैं। तो आपको मैं बिल्डिंग के अंदर चल के दिखाऊंगा कैसा है यहाँ का नज़ारा अंदर से, कि नज़दीक आ गया हूँ। तो ये बिल्डिंग ऐसे दिखती है इस साइड से कोने से, और परे तक देखिए बहुत दूर तक ऐसे दिखती है। और जो इस बिल्डिंग से ग्राउंड का नज़ारा है वो तो काफ़ी मनमोहक है, देखिए इस समय दिन का समय है तो काफ़ी खूबसूरत। उस साइड में पेड़ और इस साइड में लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और अब मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा यहाँ से होते हुए, जब आप चढ़ेंगे तो ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा पहले तो। देखिए ये तो नीचे साइड का है, और इसके अंदर चल के देखते हैं कैसी दिखाई देती है बिल्डिंग। ये देखिए इस साइड में ऐसे दिखती है, मेरे हाथ से कैमरा हिल रहा है इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, कैमरा स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चलते समय में हिल रहा है कैमरा। जब आप सूर्य में यहाँ प्रवेश करेंगे ऐसे दिखाई देगी यहाँ से बिल्डिंग, मैं आपको इधर से घुमा के दिखाता हूँ कैमरा। देखो जहाँ भी आप जाएंगे इसी तरह से खांचे बने हुए हैं, मतलब इस तरह से आपको अंदर को जाने को मिलेगा।
मैं आया तो इधर से था, यहाँ से परे से आया था मैं। अब मेरे को किधर को जाना है आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और मेरे को जाना है इधर को, बिल्डिंग देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों के टाइम की बिल्डिंग है वो देखो। यहाँ से ऐसे दिखती है बड़ी इस बिल्डिंग का मंदिर, जिसे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब देखो किनारे किनारे फूल भी लगाए गए हैं, फूल के पौधे। तो इस साइड में भी जहाँ भी जाएंगे ठीक इसी प्रकार के खाने हैं बने हुए, आंगन सेम है। तो जो एक गेट जैसे देख रहे ये भी सेम है। सब सेम है। और जो एक टावर देखो दोस्तों क्या खूबसूरत है। घर का नज़ारा भी सेम ही है, देखो। और इधर का नज़ारा भी सेम है, चार पत्रों के कलेक्शन लगे हुए। और यहाँ से जब आप नीचे मैदान देखोगे काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखो काफ़ी खूबसूरत मैदान है, वॉशरूम है पुरुषों के लिए। जो हम लोग यहाँ से आए थे सूचना पार्टी के ठीक बगल में, एक गेट की तरफ जाते, एक गेट जाता है प्रकाश संग्रहालय के ऊपर। यहाँ पर वेदर अपडेट मिलेगा आपको इस पढ़ाई के अंदर का। और आगे चलते हैं, एक मिनट भी ऐसे किस तरह तेरी की छोड़ ले कौन तक सीखता है बैठे हमने हिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और वॉइस भी कैसा आ रहा है क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक नहीं है। जो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो का वर्क 53 कौन से कर रहा हूँ कमांडर है वो रूम। देखो आगे का नज़ारा, और देखो खूबसूरत बिल्डिंग्स। और ये ऊपर टावर और नीचे ये बिल्डिंग, क्या खूबसूरत नजारा है। देखो
यहाँ पर भी सेम ही है, इधर भी फूल और इधर भी सेम ही है। अब आगे चलते हैं। आगे फतेहपुर इधर पश्चिम से आने का रास्ता आएगी, देखो इस साइड भी सेम लग रहा है मेरे को। अब इधर से चलते हैं नीचे साइड से, आगे पहुंचने के बाद में जहाँ से हम आए उसके बाद आगे जंगल दिखाएंगे और उसके बाद हम अपने रूम में जाएंगे। कैमरा हिल रहा है, हम सॉरी। ऐसे तो फील्ड लग रहा था खूबसूरत। वाले रास्ते से सेरोडी रोड चल रहा हूँ, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों कैमरा काफ़ी हिल रहा है, आई एम सॉरी। वॉइस भी पता नहीं कैसी आ रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसा भी है आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए आप इसे अंतिम तक देखिएगा। बढ़िया से आपको यहाँ पर घुमाऊँ। फिर नीचे साइड आके मैं आपको इस बिल्डिंग का दिखा रहा हूँ। ये देखो मैं अभी उस साइड से घूमते हुए इधर को आया, उस साइड से बिल्डिंग तो हम घूम चुके हैं। अब जंगल को देखते देखते हम लोग यहाँ से बाहर को जाएंगे और अपने कमरे की ओर चले जाएंगे। ये वाली जो पूरी बिल्डिंग है वो मैं आपको घुमा चुका हूँ, ये वाली जो जहाँ से हम लोग आगे भी आए। तो अब बाहर को निकलने का समय भी आ गया हमारा। तो ये हमारे जो दोस्त है धीरेंद्र साई, इनको भी मैं घुमा चुका हूँ, ये पहली बार आए, मैं भी पहली बार आया हूँ देहरादून के अंदर में। तो अब आपको जंगल का नज़ारा दिखाऊंगा और आगे रास्ते में क्या क्या है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं,
उनको दिखाते हुए फिर इस वीडियो को रोकना होगा मुझे। ट्रंप रोड है और ये जो नीचे दक्षिण से आती है ये रोड है, ये भी यहीं पे आती है। और हम लोग जब कमरे जा रहे हैं तो इस रोड से होते हुए हम जाएंगे, चल रहे हैं आगे। चौराहा आता है जो आप सामने देख रहे हो, उस चौराहे से होते हुए हमको फिर टर्न इधर राइट साइड मोड़ना है और उसके बाद अपने रूम की ओर जाना है। पूरा नज़ारा है आप भी देखिए। देखो काफ़ी मस्त खूबसूरत नज़ारा है जंगल का। मेरे को जंगल देखते ही काफ़ी मन पसंद है और सुकून मिलता है हरे भरे जंगल के अंदर बैठने का। आगे चलते हुए हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जो ये है पुस्तकालय है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का। भारतीय वन अनुसंधान का क्या मस्त है। खूबसूरत जंगल है, घनघोर जंगल है, खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ का। देखो दोस्तों बड़ा मन मोह रहा है। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसमें मेरे को खास बोलना भी कुछ नहीं आ रहा है। जैसे तैसे मैंने इसको बनाया और रिकॉर्ड भी किया, तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता है। जैसा भी है आप लोग पसंद करेंगे, इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही, फिर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक देखते रहिए शिवाजोन यूट्यूब चैनल और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही व्लॉग से संबंधित वीडियोस और पाने के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। और दोस्तों इस शिवाजोन यूट्यूब चैनल में मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे कंप्यूटर ट्रिक्स हो गया, इंटरनेट ट्रिक्स हो गया, ऑनलाइन लर्निंग इत्यादि से संबंधित वीडियो रियल जो मेरे प्रैक्टिकली होते हैं उनको बनाकर इस पर मैं अपलोड करता हूँ। उन सब को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल शिवाजोन यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ये वीडियो कैसी बनी। फिर अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।